नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आई रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। विदिशा कोर्ट परिसर में शुक्रवार दोपहर अखाड़े में तब्दील हो गया। एक पुराने मामले में महिलाओं और युवतियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर वकील की जमकर धुलाई कर दी। महिलाओं ने वकील को लात, घूंसे और चप्पलों से जमकर पीटा। वकील का कहना है कि इन्होंने प्लान के तहत मेरे आंख पर स्प्रे किया, मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। मैंने कोर्ट परिसर में भागकर जान बचाई। वहीं दूसरे पक्ष की युवती का कहना है कि वकील गवाही देने से रोक रहा था, उसने हमें परेशान करके रख दिया है। टीआई सिविल लाइन कमलेश सोनी ने बताया कि एडवोकेट भागचंद अहिरवाल व्यापारी दीपक जैन के बीच पुराना विवाद है। उस केस के मामले में आज पेशी थी। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के सामने कुछ युवतियों और युवकों ने एडवोकेट भागचंद के साथ मारपीट कर दी। भागचंद ने न्यायालय परिसर से भागकर खुद को बचाया। बाद में मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इधर दूसरा पक्ष भी सिविल लाइन थाने पहुंचा। एडवोकेट भागचंद का कहना है कि 2014 में एक महिला जिसे दीपक जैन ब्लैकमेल कर रहा था, उस केस में मैंने सहयोग किया था। तभी से दीपक मुझसे दुश्मनी रखता है। मैं दोपहर को कोर्ट जा रहा था, तभी जैन के परिवार ने मुझ पर हमला कर दिया और 14,500 रुपए और मोबाइल भी छीन लिया। विदिशा से नीरज शर्मा, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। आज दिनांक मैं न्यायालय जा रहा था, तभी इनके परिवार में दीपक कुमार जैन, अशोक कुमार जैन और ज्ञानी इनके वो धर्मेश जैन, आकाश जैन और रक्षा नाम के उनकी एविडेंस में रक्षा जैन, आराध्या जैन और बबीता जैन और प्रदीप जैन, क्या किया था इन्होंने? मेरे डायरेक्ट हमला कर दिया मेरे ऊपर और मेरे साथ मेरे कपड़े फाड़े, मेरे पे स्प्रे किया पहले आँखों पर। मैं कोर्ट में जा रहा था माननीय प्रतिष्ठा अवस्थी मैडम जज साहब के पेशी के सुनवाई के लिए, तो इन्होंने प्री प्लान करके मुझे गेट पे स्प्रे किया मेरी आँखों पर जहरीला, और इसके बाद ये पूरा डंडे से और मुझे लातों घूसे से मारने लगे और प्रहार करने लगे। बहुत देर तक मैं पिटता रहा। मेरी जेब में 14,500 रुपये रखे थे मेरी मम्मी के, वो इसने छीन लिए। मेरा सैमसंग का प्रो 7 मोबाइल ले गया जो तोड़ा था अभी 23/8 को। इसके बाद मेरा और भी सामान, इसमें सोने की अंगूठी थी, वो इसने लूट कर ली। आज कोर्ट में गवाही थी। हाँ, भागचंद अहिरवाल गवाही देने से रोक रहा था, इसने रोक लिया, मारपीट करी, मेरी बहन के पेट में लात मारी, उसको नाक से खून आ गया, जिसका मेडिकल अभी हम कराने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें दैनिक दिल्ली न्यूज़ के साथ। नमस्कार।